मॉर्निंग एंड आज मैंने इस कमरे को की सफाई की है। जो मेरी खिड़कियाँ होती हैं उसमें जाले लग जाते हैं, तो मैं दिवाली के टाइम इसको अच्छे से धुल देती हूँ। एंड ये जो जाली वाले दरवाजे होते हैं ये भी गंदे होते हैं, इनको भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो आज मैंने ये सब धुलाई की है, ये देखिए। और इस रूम में ज़्यादा कुछ करना नहीं था क्योंकि कलर हुआ था, जो हल्का फुल्का जाल लगा होगा उसको हम लोग साफ़ कर देंगे। एंड पर्दे सारे धुल गए हैं और बस इसको मैंने इसलिए धुल दिया था कि तुरंत पर्दे, मतलब मैं धुलती हूँ तो उसको सुखाती हूँ, डायरेक्ट ड्रायर करके लगाती हूँ जिससे कि प्रेस नहीं करना पड़ता है और वो सीधा ही सीधा रहता है, सिकुड़ा नहीं रहता है। तो हम लोग डायरेक्ट पर्दे लगा देंगे। तो फिलहाल अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता बनाने। कल मैंने ये समोसा मंगाया था जिसका आलू बच्चे निकाल देते हैं, एंड इसकी चटनी, और मैंने एक दिन मलाई सैंडविच बनाई थी तो इसको सब मिला के मैं आज बनाऊंगी सैंडविच। एंड ये देखिए मेरी चाय बन रही है जिसमें मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली है, अभी चाय पत्ती डालनी है। आलू को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी ताकि जब आप मार्केट का समोसे लाई तो उसमें आलू खड़े खड़े रहते हैं। एंड ये कल शाम को ही आया था तो आलू ख़राब बिल्कुल नहीं हुआ और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग लगता है, नहीं तो मैं घर में ही भरता बनाती। बट ये बचा हुआ आलू था, एंड कभी कभी बची हुई चीज़ों से बनाइए, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती। एंड इसमें मैं एक प्याज कट करके डालूँगी। आप चाहिए तो इसमें कैप्सिकम डाल लीजिए, टमाटो डाल लीजिए, बट मैं ये सब नहीं डाल रही हूँ, आप चाहिए तो डाल सकते हैं। एंड ये जो मैंने मलाई सैंडविच बनाई थी जो बची हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी। एंड इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मेयोनीज़, और मैं ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और बनने के बाद मुझे तो लगता है बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए मैंने एक दिन पहले सब्ज़ी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने डाली थी, तो वो सब्ज़ी मैं इसमें मिक्स कर लूँगी। और इतना सब्ज़ी में मसाले थे, मिर्च थी, तो मैं हरी मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि ऐसे ही मेरी सब्ज़ी चटपटी थी। एंड आलू का समोसा भी, सॉरी समोसे का आलू भी चटपटा था, तो बस इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। एंड मुझे मेयोनीज थोड़ी सी कम लग रही तो मैं इसमें थोड़ी सी और मेयोनीज डालूँगी। तो बस सैंडविच जा रही हूँ मैं सीखने, और मैं चाय बना के एक साथ बैठ के साथ में सैंडविच सीखती हूँ। और जो मीठी चटनी मिली थी समोसे के साथ एंड जो कड़वी वाली चटनी मिली थी वो भी मैं साथ में ले आई हूँ। जब मैं सैंडविच बनाऊँगी तो मुझे थोड़ा सा चटपटा पसंद है, तो मैं अपने में खट्टी चटनी लगाऊँगी। एंड मैं अपने ब्रेड, दोनों ब्रेड में खट्टी चटनी लगाऊँगी। एंड घर में इन लोग के लिए जो बनाऊँगी उसमें एक साइड मीठी चटनी एंड एक साइड खट्टी चटनी लगाऊँगी। तो ये देखिए मैंने एक साइड खट्टी चटनी लगा दी एंड एक साइड आलू लगा दिया है। अब इसको मैं सेकूँगी एंड बस दूसरे वाले में मैं लगाऊँगी मीठी चटनी। मुझे मीठी चटनी बिल्कुल नहीं पसंद है, अच्छे से मीठी होती बट इन लोगों को पसंद है। तो ये सैंडविच पूरा समोसा का फ्लेवर देगा, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। आप लोग भी ऐसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंड आपके पास पनीर हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सैंडविच बन के हो गया है रेडी। एंड मैं ना बटर लगाती हूँ ना ऑयल लगाती हूँ, डायरेक्ट बस सैंडविच सेकती हूँ क्योंकि मेयोनीज में भी ऑयल होता है और वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब उससे फैट बढ़ता है। आप चाहिए तो बटर भी लगा सकते हैं जिससे कि टेस्टी हो जाता है। एंड मेरे यहाँ बटर वैसे बच्चे खाते ही रहते हैं तो मैं सैंडविच में नहीं यूज़ कर रही हूँ। एंड मैं अपने और सारे सैंडविच सेकने में लग जाऊँगी, मतलब मैं तब तक सेकने के लिए रख दूँगी एंड फिर हम लोग खाते हैं। मेरी सैंडविच ये बन गई थी, इसको मैं कट करूँगी। एंड ये बड़े वाले गिलास में मेरी चाय, क्योंकि मैं गुड़ की चाय पीती हूँ तो जिसमें चम्मच होती है, स्पून होता है, वो गुड़ वाली चाय होती है। एंड इधर देखिए परू अपने बड़े पापा को जगा रही है। पापा जी बोलो। अन्नू पापा, पापा बोलो। उठिए, जगाओ, जल्दी जगाओ, बोलो। कितना सोते हैं, कितना सोते हैं? पप्पी दे दो, पप्पी दे दो पापा को, कदो उठ जाइए पापा जी। अरे बाप ले बाप, अरे बाप ले बाप, तुम छो गई कि जगाने गई थी तुम? आप भी सो गई? बड़े पापा को जगाओ जल्दी, देखो स्माइल कर रहे हैं, जल्दी जगाओ, जल्दी जगा दो बगुआ मेला। बांध लो, चलो बांध लो, चलो चट मार मार। चाय क्या पीना है?
चाय, इनको चाय पीना, चाय पीने में बहुत खुश हो जा रही है। क्या पीना परू को? परू को क्या पीना भाई? परू को चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है। किसी का भी चाय होगा मतलब ये उठा के पीना स्टार्ट कर देती है। एंड ये देखिए अब इनको सैंडविच कट करनी है और अपने बड़े पापा को जगा रही है और वो उठ नहीं रहे, जानबूझ के लेटे हुए हैं ताकि परी उनको बार बार जगाए। तो बस हम लोग ने अपना नाश्ता कम्प्लीटली ख़त्म किया था एंड उसके बाद हम लोग को सफाई में लगना था। मेरे सारे पर्दे धुल गए हैं एंड इतने सारे कपड़े भी। अभी मैं ये पंखा साफ़ करने जा रही हूँ, देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो गया। एक तो वाइट कलर लगाइए तो गंदा हो जाता है, तो इसको मैं जा रही हूँ साफ़ करने। तो वैसे तो घर में पंखे हो या एसी हो ये यही साफ़ करते हैं, बट इस समय ये थे नहीं, बाहर गए थे, तो मैंने सोचा मैं ही साफ़ कर लूँ। एंड पहले मैं इसे सूखे कपड़े से साफ़ करूँगी, उसके बाद ही लिक्विड या गीली चीज़ मैं यूज़ करूँगी। तो उससे ही ऐसे ही करना चाहिए, पहले आप इसको अच्छे से झाड़ लीजिए एंड उसको उसके बाद ही साफ़ कीजिए गीले कपड़े से। और इधर हम लोग काम में लगे थे तो परू के लिए हम लोग टीवी ऑन कर देते। देखिए परू डांस कर रही है। आज मैंने इस रूम की सफाई कर ली और मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे फिर से पता चला होगा। और बच्चों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है क्योंकि ये सारे वॉल में तो वाइट कलर है, सब गंदा गंदा हो गया था, तो सब ने मिल के अच्छे से साफ़ किया है। मेरा पहले छोटा वाला बेटा लग गया था एंड इधर बहुत ज़्यादा गंदा था, उसने खुद गंदा किया था। ये देखिए इसने सब सब साफ कर दिया। तो आज पूरा दिन इसी रूम में लग गया है हम लोग को। वैसे सफाई में इतनी मेहनत लगती है बट दिखता नहीं क्या सफाई हुई है। और ये एसी भी हमारी क्लीन हो गई, साफ़ हो गई, बस इसका कवर ला के मुझे कवर करना है। एंड ये रूम सारा हम लोग ने साफ़ कर दिया है और आगे वाले रूम का भी जो सफाई हुई बस कर्टन लगना है। वैसे सफाई हो रही थी, किचन का हाल मेरा। ये इंडक्शन मैंने लिया था, मार्च में लिया था और मैंने इसकी 3 साल की गारंटी ली थी, बट वो लोग बोले 1 ही साल की गारंटी, और बना के गए थे फिर दोबारा ख़राब हो गया था। तो आज फिर इसे रिपेयर हुआ, देखिए अब कितने दिन चलता है। एंड अभी किचन की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो मैं बस जा रही हूँ सारे बर्तन क्लीन करने। और बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो मैं सोच रही हूँ माइक्रोनी बना लूँ, तो मैं बस फटाफट माइक्रोनी बॉयल करने के लिए रख रही हूँ, तब तक बर्तन मांजेंगे। एंड मैंने दिन में कुछ नहीं बनाया था, मैंने बस सैंडविच बनाया था, तो बस अब मैं जा रही हूँ माइक्रोनी बनाने, जब तक मैं बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। एंड इधर सारे बर्तन क्लीन कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं बनाऊँगी। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, मतलब वही सैंडविच बनाया था वही खाया मैंने। सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बच्चों ने तो फ्रूट्स और मतलब एक दिन का चावल होता है तो बच्चे दूध में आप उसको पका दीजिए खीर की तरह, बहुत मन से खाते हैं। तो मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा मन से खाते हैं तो वो लोगों ने वो खा लिया, बट अभी भी आधे घंटे बाद उन लोगों को भूख लग जाएगी। तो मैं माइक्रोनी बना दे रही हूँ एंड ब्रेड खाते खाते बोर हो जाएगी, तो कभी कभी ब्रेड खाने का भी मन नहीं होता, बट ईजी होता है कि आप चाय बनाइए, ब्रेड बटर खा लीजिए, तो इसलिए मैं रखती हूँ ब्रेड। एंड बस अब मैं जा रही हूँ फटाफट माइक्रोनी को बॉयल करने। परू सो गई थी, देख देखिए इधर देखो, कौन डांटा था परू को? मम्मा, मम्मा मारी थी, कैसे बता दो। हाँ अच्छे, आप सो नहीं रही थी, मम्मा मार दी परू को। ओले मेरा बच्चा इतना उदास है,
अच्छा आप पर गुस्सा कैसे होती, गुस्सा हो जाए गुस्सा कैसे गुस्सा होती बता दो जल्दी से। अभी तो मूड में हो, अभी तो मूड में मेरा बउआ। अच्छा जल्दी गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। मम्मी ओले बाप रे, मम्मा मारी थी कैसे मारी थी बता दो जल्दी। ऐचे ऐचे अब परु को कोई डांट देता है तो ये गुस्सा हो जाती है। और कैसे गुस्सा होती है अभी नहीं बना रही, मतलब अभी नहीं बता रही, जब गुस्सा होंगी। अच्छा अच्छा गुस्सा होगी कैसे, अच्छे तो एक्टिंग करने में। अच्छा गुस्सा हो जाओ, गुस्सा हो जाओ। अच्छा पुच्छी दे दो बड़ी मम्मा को, पुच्छी दे दो। हम कौन है, हम कौन है, हम कौन है, हमको अभी ये भाभी कहती है। कौन है भाभी, कौन है, हम कौन है भाभी। और इनको कहती है अनु। बड़े पापा को क्या कहती हो, अनु। एक्टिंग, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। सबसे पहले मैं मैक्रोनी बॉयल करने के लिए चढ़ा दे रही हूँ, ताकि तब तक मैं बर्तन माजूंगी, मेरी मैक्रोनी अच्छे से बॉयल हो जाएगी। तो बस मैंने पानी में डाला और इलेक्ट्रिक केटल में मैंने पानी गर्म कर लिया, तो जल्दी हो जाएगा काम मेरा। तो मैंने बस उसमें नमक डाल दिया, थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी मैक्रोनी। माइक्रोनी को मैं अच्छे से चला दूंगी, एंड बहुत ज़्यादा नहीं पकाती हूँ मैं, रवा माइक्रोनी और रवा पास्ता ही यूज करती हूँ, मैदे वाला नहीं यूज करती हूँ। और थोड़ा सा ही माइक्रोनी मेरी पक जाएगी तो मैं इसको हटा दूंगी गैस से, मतलब इंडक्शन से मैं हटा के ढक के रख दूंगी, तो स्टीम में और अच्छे से पक जाएगा। एंड फटाफट मैं डिनर की भी तैयारी कर रही हूँ, तो मैंने देखी मेरी मैक्रोनी अच्छे से पक गई थी, तो मैंने उसको हटा दिया। थोड़ी सी कच्ची है, स्टीम में और अच्छे से हो जाएगी। एंड अब मैं बना रही हूँ चना, जो कि मैंने भिगो के रखा था, तो इन लोगों ने खाया नहीं, तो मैं सोच रही हूँ मैं डार्क डिनर में चना भी बना लूँ, तो साथ ही साथ मैं चना भी बनाती जाऊँगी। एंड उधर मेरा बर्तन भी मज रहा है और इधर मैं चना भी फटाफट बना रही हूँ। तो मैं चना बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, तो बस मैंने इसमें रफली प्याज कट करके डाल दिया, और ये लहसुन मैं छील के रखती हूँ अक्सर फ्रिज में, और मेरा लहसुन आराम से 10-12 दिन चलता है। तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया, मैंने प्याज बिल्कुल लाल नहीं किया। इसमें आप हरी मिर्च भी डाल सकते, बट मैंने नहीं डाला, मैं भूल गई थी सॉरी, बट आप हरी मिर्च भी डाल दीजिए, प्याज डाल दीजिए, लहसुन डाल दीजिए। एंड इसमें डायरेक्ट मैंने चना डाल दिया, अब सारे मसाले डाल दूंगी, और ये चना बहुत जल्दी बनता है, बहुत इजी तरीका और बहुत टेस्टी बनता है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया नमक, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। अब इसके बाद मैं सारी स्पाइसेस इसमें डालूंगी, तो मैंने इसमें डाली हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मैं हरी मिर्च डालना भूल गई थी इसलिए मैंने इसमें डाला लाल मिर्च। एंड इसमें गर्मा गर्म मैंने पानी डाल दिया, और बस मैं सीटी लगा दूंगी। देखिए कितना ईजी और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। कुकर में मेरी 2-3 सीटियाँ लग चुकी थी अच्छे से, उसके बाद मैं माइक्रोनी बनाने जा रही थी। माइक्रोनी मेरी अच्छे से बॉयल हो गई थी, मैंने उसको छान के रख दिया था। तो मैं प्याज टमाटर एक साथ पीस के बना रही हूँ, तो बस मैंने उसमें डाला मस्टर्ड ऑयल, करी पत्ता एंड राई। मैं राई ज़्यादा यूज करती हूँ, चाहे फरा फ्राई करना हो, चाहे मैक्रोनी में डालना हो, चाहे पोहा में डालना हो, मुझे राई बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड मैंने ये प्याज टमाटर और लहसुन इन सबको अच्छे से पीस लिया था, और मैं पीस के बना रही हूँ। कभी कभी मैं कट करके बनाती हूँ, बट आज मुझे पीस के बनाना था, तो मैं पीस के ही बना रही हूँ। मेरे मूड पे डिपेंड करता है मुझे कैसा कब कैसा बनाना, तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, और मैं जैसा बना रही हूँ आप लोग से शेयर कर रही हूँ। मसाला मेरा भुन गया था, और बस मैं इसमें डालूंगी सेजवान सॉस, जो कि मैंने मंगाया है, और मैं इसको फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो मैं सोची थी इसको आज की मैक्रोनी में थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में बनाऊं, तो बस मैंने इसमें 2 चम्मच डाला सेजवान सॉस। अब मैं इसमें डालूंगी सोया सॉस। मैं कभी कभी इंडियन स्टाइल में बनाती हूँ, तो उसमें सोया सॉस, केचप ये सब नहीं डालती हूँ, सिर्फ मसाले डालती हूँ, बट आज मैं सब कुछ डाल रही हूँ। तो बस इसमें मैंने डाला है सोया सॉस, केचप एंड मैंने सेजवान सॉस डाला है चिली वाला, तो इसलिए मैं इसमें चिली सॉस नहीं डालूंगी। एंड इसमें मैंने डाला है मेयोनीज। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और अगर केचप या मेयोनीज कम लगेगा तो मैं इसमें और डालूँगी।
मैंने सारे मसाले डाल दिए, तो उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। तो उसके बाद मैं ये मेयोनीज डाल दूंगी, जो कि मैं जब मेयोनीज बॉयल हो जाती है, अच्छे से स्टीम हो जाता है, तो उसको मैं बहुत अच्छी तरह गर्म पानी सॉरी नॉर्मल पानी में अच्छे से धुलती हूँ, जिससे ये देखिए मेरी मेयोनीज एक दूसरे से चिपकती नहीं है। बहुत अच्छे से मिक्स मैं कर दूंगी इसको, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सारा मसाला इसमें मिक्स हो जाए। एंड इसको मैं ढक के भी रखूँगी 5 मिनट। मैक्रोनी को मैं ढक के 5 मिनट पकाऊंगी, एंड 5 मिनट पक गया था तो बस मैं बनाने जा रही थी चाय। तो चाय मैं बस 2 कप बना रही, क्योंकि बच्चों को मैंने दूध और राइस बना के दिया था, मतलब खीर स्टाइल में। बस मैं अपने और इनके लिए चाय बना रही हूँ। चाय मेरी बन गई थी, तो ये देखिए 2 गिलास में मैं चाय छान रही हूँ, क्योंकि एक में शक्कर है एंड एक में गुड़। मैं गुड़ वाली चाय पीती हूँ और ये पीते हैं शक्कर वाली चाय। तो बस अब हम लोग फटाफट इन्जॉय करेंगे अपनी मैक्रोनी, और मैं कटोरी में लेके आती हूँ क्योंकि गर्म रहे मेरी मैक्रोनी। और मैं इसको ढक के रख देती हूँ जब तक मैं अपनी चाय पीऊँगी, एंड उसके साथ मैंने जो लैया का मुरबुरा बनाया था वो मैं खाऊँगी, और बस लास्ट में मैं अपनी मैक्रोनी खाऊँगी। तो मैं उसको ढक के रखती हूँ ताकि मेरी मैक्रोनी गर्म बनी रहे। तो जो लोग भी मेरे पुराने ब्लॉग में ब्लॉग देख रहे होंगे, उनको पता ही होगा कि मुझे गर्म चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। बच्चे लगे हैं कर्टन में ये जो चल्ले लगाने में, उसके बाद ये लोग खुद लगाएंगे यहाँ कर्टन। एंड मैं अब रिलैक्स होके एंजॉय कर रही हूँ सीरियल। ये मेरा छोटू छोटू, ये मेरा पेट पूछना एक टाइम पे बच्चे इतने बड़े हो जाते हैं कि वो आपकी हेल्प करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे दोनों बेटे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। एंड मैंने चना जो बनाया था उसके साथ मैंने पराठा बनाया था, तो उसका वीडियो मैं नहीं बना पाई हूँ। गुड मॉर्निंग, एंड कल मैंने चना बनाया था, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पाई थी, तो मैं अब मॉर्निंग से अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। और इस समय मैं बना रही हूँ पोहा। ये मैं बना रही हूँ पोहा, और जिसमें मैंने प्याज राई करी पत्ता और दाल। और ये देखिए जब मैं किचन में आती हूँ, ये क्या चाहिए परू? और ये मैं बना रही हूँ पोहा, तो जिसमें मैंने राई अनियन करी पत्ता एंड टमाटर डाल दिया कट करके। और इधर ये है परू, जब मैं किचन में आती हूँ तो इनको क्या खाना होता है? नमक या शक्कर। अभी क्या लेना परू कटोरी में? नमक, इनको नमक लेना होता है नहीं तो शक्कर। और मैं पोहे में आपको एक चीज बता रही हूँ, जिसके मेरे घर में मेरे हस्बैंड को पोहे में पीनट बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं पीनट को भून के, और ये देखिए मैंने पीस के रखा, मैं इसमें ये डालूंगी। तो जिन लोग ये मतलब जिन लोग के घर में जिसको पीनट नहीं पसंद वो ऐसा कर सकते हैं। आप इसमें चाहिए तो आलू भी कट करके डाल सकते हैं, बट मैं भूल गई हूँ। और टमाटर मेरा ऑलमोस्ट हो गया है, मैं बहुत ज़्यादा टमाटर को नहीं मेल्ट करूँगी। और ये चूड़ा मैंने धुल के रखा था अभी बस 2 ही मिनट पहले, ज़्यादा देर मैं नहीं धुल के रखती हूँ। सारे मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, और टमाटर अगर आपके पास और हो तो आप और डाल दीजिएगा, बट मैंने 2 ही छोटे टमाटर डाले थे। अब ये इसके बाद मैंने जो पीनट पीस के रखा है भून के, वो मैं इसमें डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच डाले हैं। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर ढक दूँगी, ताकि सारे मसाले अच्छे से चूड़े में एब्जॉर्ब हो जाए। और मैं इसमें डालूँगी देसी घी 2 चम्मच।
पोहा आपका हो जाएगा, उसके बाद लास्ट में मैं इसमें डालूंगी लेमन, आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिएगा। मेरा तो नींबू थोड़ा सा छोटा छोटा था तो मैंने 2 नींबू इसमें डाले हैं, और उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। मैंने पोहे को अच्छी तरह भून लिया एंड मुझे पीनट ऊपर से और डालना था तो मैं इसमें और पीनट डाल दूँगी एंड उसके बाद बनेगी मेरी गर्मा गर्म चाय। तो ये बन गया मेरा पोहा, ऊपर से मैंने इसमें डाल दिया है धनिया जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। एंड अब मैं बनाने जा रही हूँ अपनी चाय, और साथ में हम लोग खाएंगे ब्रेड बटर। तो ये है आज का मेरा नाश्ता। तो बस मैं आज अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आई होप मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन बटन दबाइए, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye-bye.